नीलांशु शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलांशु, आप काफी वक्त से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हैरत की बात यह है, लगभग पूरी की पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त दुबे की तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कहाँ है वो? अब क्या डिटेल्स मिल रही है? कुछ सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार वो जितने भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ विकास दुबे के जो परिजन हैं, उसके मिलने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये सच है कि पुलिस को अभी तक कोई अहम सुराग नहीं लगा है और पूरे प्रदेश की पुलिस, चाहे वो सिविल पुलिस हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, पूरी तरह से सभी लोग विकास दुबे को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई कामयाबी नहीं लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसा कि आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने कल बताया था कि पूरा चौबेपुर थाना, जो लोकल थाना है, वह शक के घेरे में है। एक एक पुलिसकर्मी पर संदेह है कि विकास दुबे को जो रेड से पहले जो मुखबिरी मिली थी, जो जानकारी मिली थी रेड की, वह थाने से हुई थी। तो सभी के कॉल डिटेल्स भी तलाशे जा रहे हैं पुलिस द्वारा। ठीक है, और लौटेंगे आपके पास नीलांशु। इस वक्त एक वीडियो दिखा देते हैं विकास दुबे का, जो कि 2017 का बताया जा रहा है। क्या कुछ है इस वीडियो में, देखिए। सरकारी कार्य में बाधा डालने खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायत पत्र दिया था। उस पर उन्होंने उनको धमकाया, जब धमकाया तो उसी में कासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मैं मुझसे नहीं मारपीट हुई थी, मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी उस मीटिंग में मौजूद थे। हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से, मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। दूसरा मुकदमा कौन सा? दूसरा मुकदमा नीलांशु हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलांशु, बेहद दिलचस्प ये है कि 2017 का जो ये वीडियो है, इसमें यूपी एसटीएफ विकास दुबे से पूछताछ कर रहे, दर्जनों मामले इस पर दर्ज थे, उसके बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा का पूरा साम्राज्य वहां कानपुर देहात में फैला हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी तरह की राजनीतिक शरण जरूर रही होगी, जिसके चलते ये अभी तक बचता रहा है। जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम विकास दुबे के कारोबार की बात करें तो जो भी इस एरिया में जो राशन के कोटेदार होते थे, उनको कोटेदारी का वितरण विकास दुबे के कहने पे ही होता था। साथ ही साथ अवैध शराब का एक बड़ा कारोबार विकास दुबे का था, और साफ तौर पर जब वह पिछले साल जेल से छूटकर आया था, तब से भी वह लगातार अपने साम्राज्य को फैला रहा था, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन लोकल पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और साफ तौर पर घटना के एक दिन पहले जब एसओ विनय तिवारी मिलने गए थे विकास दुबे से उनके घर, एक मारपीट के मामले में जो उनके ही रिश्तेदार ने शिकायत की थी, उस पूरे मामले में भी एसओ के साथ मारपीट की थी विकास दुबे ने, राइफल भी तानी थी, लेकिन विकास दुबे के खौफ के चलते एसओ ने यह जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी। तो साफ तौर पर राजनीतिक रसूख और जो कानपुर में जो अधिकारियों से उसकी पैठ थी, इस कारण वे लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच वीडियो के बाद अब आपको कुछ तस्वीरें भी विकास दुबे की दिखा देते हैं, किस तरीके से एक साम्राज्य उसका कानपुर देहात में फैला हुआ था। बड़े बड़े लोगों से सांठगांठ, उनसे दोस्ती, तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरे, और साथ ही कुछ दोस्तों और करीबियों के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं विकास दुबे की। आम जनजीवन बिताने वाला ये गैंगस्टर, लेकिन कई सारे मामले, आपराधिक मामले इस गैंगस्टर पर दर्ज हैं, और अब इस वारदात के बाद भी इसका कोई सुराग नहीं है। 2017 में जिला पंचायत बैठक में मारपीट को लेकर पूछताछ यूपी एसटीएफ ने की थी, वो वीडियो हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कहां छुपा हुआ है विकास दुबे।